मनोज इतना दौड़ता है? क्या हुआ मेरी नीली, उदास हो क्या? अभी तो मान भी जाओ, हार गई। मैं तो इस समुद्र माँ की बेटा हूँ। ठीक है, मैं हार गई। हाँ। तुम समुद्र माँ की बेटा है ना? ये एक दिन मैं भी समुद्र माँ की बेटी हूँ तो तू भी बताएगा, देखो। तुम बैठो इधर। हाँ। तू समुद्र माँ की बेटी है। हे, रूठो मत। आनंद, आज कुछ मिलेगा का नहीं मालूम है। बहुत कम है। ठीक है। अरे तू इधर देख। हा? तुम्हारा बेटा वापस आएगा तो इधर का औरत लोगों को कुछ मछली देने के लिए बोलोगे क्या? इतना शक से क्यों बात करती है? आपको भी मालूम है ना ये मछली के बारे में? अगर मैं कुछ भी नहीं बताया तो वो सब देख लेंगे। मुझे तो मालूम है ना। इसकी माँ है ना, क्या नाम है इसका, दुर्गा, वो भी मछली बिकने वाली थी ना। आजकल मैं वो सब नहीं भूलूंगी। अरे चोकरी, तुम्हें वो पुराना बात याद है या नहीं? क्या? वो सब इसको मालूम है चाची, आप क्या बात करती है? थू, इसको पसंद नहीं तो भी मैं बात करूंगी। मैं ब्याह करके इस गांव में आने से पहले मैं और इसकी माँ हम दोनों मिलकर बहुत दूर मछली बेचने के लिए जाता था मालूम है। उसके बाद इसका बाप एक बड़ा नावगा खरीद कर बहुत बड़ा आदमी हो गया। इसका दीदी है, उसका बेटा मालूम है कौन है? वही आनंद है। उसके बारे आप में मेरा चुप रहेंगे क्या? आपको व्यापार करने के लिए मछली तो बस है ना, उसे छोड़कर इतनी बातें क्यों बता रही हैं? हाँ हाँ, बात करने से क्या हो जाता है। हरी जा, मुझे मालूम है तू कैसी है। अभी इसके पास थोड़ा पैसा है, इतना घमंड है इसको। ये छोटे से गांव में कितना बड़े आदमियों को मैंने देख लिया। बेड़ी आई है घमंड वाली। आ गया, थोड़ा जल्दी चलना। अरे अबे हाथ तो लगाना, हड़बड़ी नहीं दिखाने का, हट। चल, दे दे वो कूड़ा। पहले वो औरतों को सब दे देना पहले। मुझे तो 5 किलो दे दो भैया, इसमें डालो। मछली सब बेचने का है क्या? बेचने के लिए नहीं तो मैं क्या लेकर जाऊंगा? अच्छे दाम मिलेंगे तो देंगे। दाम हम तय करेंगे और वो देंगे। वो सब बातें फिर करो, अभी तो अच्छे दाम पे ही देंगे। इस जगह पे अपना ही मालिक का खास आदमी, यानी कि मैं, यानी कि खटमल तेरा बाप है। ठीक है, तुम एक दाम बताओ। दाम मैं बोलूंगा, मेरे अलावा कोई इस जगह पे दाम भी नहीं बोलेगा। अगर कोई और बोला तो तू देगा क्या? अच्छी दाम है तो मैं दे दूंगा। तेरा नाम है इसीलिए रेलागिरी तू दिखा रहे है। आप बताइए। हाँ आप बताइए। ये क्या, तुम लोग चुम्बन दे रहे क्या? अभी तुम भी तो बोलो। देखो, कान में आकर मैं दाम नहीं बोलूंगा, टोकरी के लिए 30 रुपए। अच्छा, देंगे। इस दाम के लिए नहीं दूंगा। हाँ, आप ही ले लीजिए। तेरे को इतना हिम्मत हुआ? हाँ, तू आखिर मेरे को और मेरे मालिक को धक्का दिया। तेरे को मैं दिखा दूंगा। रे, जा रहे, फिलहाल जा रहा हूँ। मैंने कितनी बार तुझे बोला, तू कुछ भी हमारा बात नहीं सुनता है। अरे क्या हुआ तुझको? आपने जो बोला वहाँ पे रखने का, पागल है क्या तू? अच्छी बात भी नहीं आते है। भगवान, डब्बा खोला क्या? आज मिलेगा सबको, बहुत सारा है ना। भाजी, ऐसे गुस्सा होने से कोई काम नहीं चलेगा। ये तो कोई पहली बार नहीं है ना, वो साला ऐसा काम बहुत पहले से कर रहा है। वो यही बात है तो तू जाकर चुम्मा दे दो उसको। देखो, पहले इस गांव का अधिकार किसने लिया था मालूम है तुमको? मेरे को मालूम, टीपू सुल्तान। चल,
एक टीपू सुल्तान अच्छा, की बच्चा कुछ भी बोलो मगर तुम्हारा बाप नहीं होता है। अरे देख ये कौन है मालूम है तुझको? इसका बाप मूछ वाला है, मेरा पति। इतना बड़ा मूछ है उसको, मालूम है तुझको? इतना गोरा सा, कितना सुंदर है इसका बाप, मालूम है तुझे? अच्छा तो वो था ना ये टीपू सुल्तान? कोई उसे झगड़ा करेगा तो एक आवाज दे देगा, मेरी पत्नी वो डब्बा ले लो, ऐसे बोलेगा। वो डब्बा आपके हाथ में था क्या? नहीं वो डब्बा आपके ये डब्बा ऐसे उठाकर एक खोल कर उंगलियों से चटका उठाकर इस तरह लगाएगा, देखो। और एक बड़ा सा चीक अच्छी। अरे चुप कर, उसका डब्बा है ये डब्बा। वो तो मर गया लेकिन डब्बा ढूंढ कर मैंने नहीं गई। वो एक चीख चीखेगा तो क्या हो जाते है मालूम है? इधर का लोग सब घबरा जाता है। तू मुझसे प्यार से आवाज देगा, देखो वो लाठी दो दे। अरे वो इतना देर से कपड़े के बिना खड़ा था क्या? अरे तू जा। वो टावल उठाकर एक पगड़ा बांधेगा, इस तरह हाथ रखकर खड़ा हो जाएगा, फिर मुझे देखकर, देखो मैं काम पर जाता हूँ, जाकर वापस आऊंगा, ऐसा बोलकर चलेगा। वो किसी से मारेगा तो भी इधर का लोग सब घबरा कर दौड़ जाएगा। मेरा पति एक बहुत बड़ा तूफान है मालूम है, इस कोने से उस कोने तक एक आदमी को भी नहीं छोड़ेगा। वो वापस आकर मुझे बुलाएगा तो ये डब्बा देकर उसको खुशी बस है। बाप रे बाप, इधर का सब लोग आकर उसको पाँव दबाएगा। अरे माँ जी टाइम बदल गया, अभी शहर के बड़े बड़े कंपनी अपने दलालों को बहुत सारे हाथ में पैसे लेके भेजते हैं यहाँ पे। ऐसा ही बोलो, तुम दोनों गधे हैं गधे। वो सब लोग इधर आने दो, इधर का लोग उससे कुछ भी नहीं खरीदेगा तो आखिर वो मुझसे आकर मांगना पड़ता है ना। इस जगह पे व्यापार में कौन मेरे को तोड़ने वाला है, मेरे को जरा देखना। हाँ यही मर्द है। यही है सागर का माँ का खेल। एक गांव से चले जाने को कहे तो दूसरा गांव तुमको मिल गया ना, अभी तू खुश है ना? जन्म हुए गांव को निकलकर यहां आना बहुत मुश्किल हुआ। बाद में सोचा है कि यहां समुद्र तो इतना विशाल है ना, यहां नहीं है तो दूसरे यहां। वो कितना अच्छा काम करता था, उसे बहुत बुरा मानकर दोषी ठहराया था उन लोगों ने। बीवी मर जाने के बाद उसको दूसरा बीवी आ गई, मुझे मालूम है वो, तुमको उस बारे में नहीं मालूम। एक आदमी को दूसरा पत्नी थी वो। बेचारा है, पहले मैं छोटी माँ से बहुत गुस्सा थी, बाद में उसे देखकर तरस आ गई। हाँ इस उम्र में मैंने क्या क्या नहीं देखा। सागर में जाकर मछली पकड़ने वाले के जान उसके बीवी के हाथ में है। इस जमाने में वो पुराना कहावत कौन यकीन करता है, इस जमाने के लड़की लड़कों कितना अंदर है। माँ आज बहुत ही अच्छा दिन था, समुद्र माँ ने बहुत कुछ दिया, चलिए ये पकड़िए। अरे मुझे क्यों दे रहे हो, तेरे पास ही रख लो। अरे मेरे पास है या आपके पास, एक ही तो बात है। वो ही सच्चे। आज अच्छा बिजनेस था तो आपके लिए ये। तू कितना अच्छा है सागर माँ, तुम्हें रक्षा करेगी। मैं एक बात बताती हूँ, एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की देकर तुम्हें ब्याह करना है। मैंने भी इसी के बारे में बताने वाली थी। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे सुना है दादी, इस जगह में उसी एक लड़की है क्या? मैंने कुछ नहीं बोला ऐसे, एक नई लड़की को देखने की जरूरत नहीं है। आहा वो बजना शुरू किया, ठीक है मैं चलती हूँ। अरे अम्मी कल तक तो सूखा हुआ समंदर था ना, आज कैसी थी, ज्यादा मछली पकड़ा क्या? अरे क्या बोलने का, अरे इतनी मछली थी उठाने में बहुत ही मुश्किल था। ये सब आनंद भाई की वजह से है ना, ये सब हो रहा है। हर नाव वाले के जैसे नहीं है अपना भाई, अपना हिस्सा कुछ ज्यादा ही दे दिया उन्होंने। आप भी उसी तरह ज्यादा कमानी है, बाद में हम भी हमारा निकाह कर सकते है ना। आमीना शादी तय किया क्या? अच्छा खाना होना चाहिए तब मजा आएगा बहुत। बड़ा प्लान बनाया है,
सोने के लिए अपना जगह नहीं है, वो साला जाके शादी करने वाला है। थू! अरे बीवी। क्या जी? ये पानी लेके आया क्या? हाँ जी यही बात। फिर देरी किस बात की? अपना बेटी इसका गमला दे दिया क्या? वही देने आई थी मैं। तू पहले काम कर, शादी और जनाजा सब बाद में। तेरे को मैं बहुत बार बोला है, काम के बीच में कोई कहानी नहीं बोलना। मैं कुछ भी नहीं बात करी। तू नहीं बोले तो तेरी बेटी बोली ना, वरना पानी लेने वाला वो लड़का बोला क्या? मेरे को एक बार गुस्सा आ गया ना, सब उठा के पटक दूंगा सबको। अगर भाई चाहे। अरे मैं आ रहा हूँ भाई, अगर मेरा नजर नहीं गया तो हर जगह बर्बाद हो जाएगा। रमला उधर क्या कर रही हो? रमला इधर आने के लिए बोल रहा हूं ना। उधर से क्या देख रही हो? सुना है कि यहाँ कुछ झगड़ा हो रहा है, देखने आई थी वो कैसे हैं। अच्छा इसको देखने के लिए आए? तो मतलब मेरे को कुछ हुआ तो ठीक है ना? वो बात नहीं है, इनके लिए तो कोई और नहीं है ना। आनंद भैया अच्छा होने के लिए अल्लाह से दुआ मांग रही हूँ मैं। उन दुश्मन ने आपको पीटा है क्या? इनको मारना नामुमकिन है। मैं जाऊं? अली भाई तुम बहुत किस्मत वाले हो। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी अब्बू हमारी शादी के खिलाफ है। वो साले के मन में कुछ और है, उनसे शादी करना ही उनका प्लान है। क्या बात कर रहा है? रमला मस्तान की बेटी है ना, बेटी कैसी बीवी बन सकती है? वैसा नहीं, इनकी अम्मी जो है ना उस लौंडे का तीसरा बीवी है। इनकी अम्मी की पहली शादी में से है ये। किस तरह का आदमी है वो? तू पहले एक मकान बना, उसके बाद इससे शादी कर। यही बात मैं भी सोचता हूँ, यही सीजन का काम खत्म होता ही अपना शादी। अच्छा आपके भी दिल में एक सपना है ना, क्या है उनका नाम? उसका नाम नीली है। वो सब कुछ उधर ही छोड़ के मैं इधर आ गया। उस जगह छोड़ा भी तो क्या, आपके पसंदीदार लड़की को क्यों छोड़े? अली भाई दुनिया के बारे में तुम्हें और समझ रहा है, इधर पैसा ही सब कुछ है, उसी के लिए लड़ते हैं। अगर पैसा हो तो कोई कुछ भी नहीं पूछता, सब कुछ हर कोई भूल जाता है। लेकिन आप आज एक बड़े नाव के मालिक है ना। अभी मेरे मन में बस माँ है, माँ के लिए मैं कुछ भी करूंगा। जानते हो मेरे लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं खोया है, पूरी जिंदगी मेरे लिए जिया है। उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। नीली दीदी आपने बड़े मछली को जिंदा देखा है क्या? हाँ वो इतना बड़ा था। सच्ची मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, अगर तुमने आनंद भैया से पूछे तो बस पकड़ लेके देंगे। ए तुम इतना तकलीफ मत उठो, मुझे पूछेगा तो भी मैं भी कुछ न कुछ जानती हूँ। अरे क्या री तुमको यकीन नहीं है क्या? झूठ कहेंगे तो कैसे मानेंगे? हाँ झूठ, मेरे को 5वीं उम्र में मैं उसे देख लिया, मैंने सीधे उस मछली को पकड़ा। वो तो किसी सूखा हुआ मछली होगा। अरे चल तू, तुम सब लोगों को देखना है क्या, मैं पकड़ कर लाऊंगी। सिर्फ आनंद नहीं है, मैं भी इस आगरमा की बेटी हूँ। हाँ, अगर धैर्य है तो समुद्र में जाके दिखाओ, नाव तो वहीं पे पड़ी है। चल चल देखो मैं जाऊंगी। अगर दिल है तो जाओ ना। सच में मैं जाऊंगी। जा जा। चल तू धक्का मार। जाओ जाओ। Thank you.
क्या बात है, तुम लोग क्यों ऐसे देख रहे हो? बड़े मछली पकड़ने के लिए दे दी गई है। किधर? दो समुद्र के अंदर। अरे बाप रे, ये नीली किधर गई? अरे नीली, अरे उधर, नीली पकड़े रहना, छोड़ना मत, आजा। अभी जाओ कुसुम, ऊपर ऊपर। हाँ अभी बाहर निकल, निकल बाहर। नहीं, मुझे उठो। जैसे तुम लोगों ने बोला, मैं तुम्हारी नीली दीदी को लेके आया। हमको नहीं चाहिए, बचा के लेके आया ना, तुम्हें रख लो। कौन किसको बचाया? आप लोगों को मालूम है क्या, मुझे तो बहुत बड़ा मछली मिली थी, ये आनंद आकर बचा लिया। नहीं तो वो बहुत बड़ा मछली पकड़कर मैं इधर आकर खड़ी हो जाती, मालूम है? वो सब देखकर तुम लोगों ने कल बता थे। इधर का मर्द लोग सागर में जाकर छोटा छोटा मछली पकड़ कर लाता है, लेकिन हमारा साहिली समुद्र में जाकर नाव में बहुत बड़ा मछली, वो इतना बड़ा है, अकेले पकड़ कर लाए, वो सब लोग बताएंगे। हमने तो देखा है ना कैसे पकड़े हैं। तू जा आनंद। यार है, बहुत हंस रही है तू। जितना भी बोले तो सुनते नहीं और इधर उधर घूमते रहती है क्या साली लौंडी? अपना औकात भूल के लड़की लोगों के साथ घूमने फिरने वाले तेरे को मैं देख लूंगा, तुमको समझा ना साला। ए साली इधर आए। अरे तू चुप कर, नहीं तो मारूंगी। उसके लिए अभी हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं मारूंगी तुझे। उसके लिए मेरी मर्दानगी की क्या कमी है अभी? एक मूछ रखकर आदमी नहीं बन पाएगा, मालूम है तुझे? अरे मेरे प्यारी बीवी जान, आखिर यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं ना। अरे वाह, ये लड़की के बारे में क्या मालूम है तुझे? देखो वो तुम्हारी बेटी है ना, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। माँ बाप से क्यों इतना चिल्लाती है, वो क्या किया? अरे तू चुप कर, नहीं तो मैं तुझे मारूंगी। तुम्हारे बारे में मैं अभी बता दूँ क्या? इधर आकर भैया झूठ बोले, इसलिए माँ को गुस्सा आया। उस समय उसको उतना गुस्सा नहीं है, नहीं तो तुझे मारता था। वो खाने के बाद वो गुस्से में गया है। चुप कर, खड़ी हो जा, नहीं तो मैं आकर मारूंगी तुझे। उसको मत दिखाना, देख देख के मेरा हालत यही है ना। अरे तुझे मारना चाहिए, उस दिन बताया था हमारे नाव के काम में उसे मत बुलाओ, वो बहुत अच्छा काम करता है। वो जो मैं बोला वो गलत है क्या? आज इस जगह में उनके जैसे एक नौजवान, ऐसे मेहनत करने वाले को तुमने कभी देखा है आज तक? उसके बारे में उस दिन तुम क्या क्या बताया था, अब क्या हुआ? मुझे गुस्सा आता है। अरे तू बोल, मैं क्या करूँ अब? जल्दी हमारे बेटी को ब्याह करने के बारे में सोचो तू। मुझे अभी नहीं शादी करना है, मुझे अभी पढ़ना है। तुम्हारा पढ़ने के बारे में मुझे मालूम है, एक ही क्लास में 2-3 वर्ष बैठी है तू। बेटा पढ़ने वाली है, लड़की बदनाम हो जाएगी तो गाँव के लोग नहीं छोड़ेंगे। बदनाम नहीं हुआ ना? हाँ बहुत अच्छा, अब मेरे को गाली दे सकता है ना। अब मैं क्या गलत बात बताई, तुम्हारा सही बहन के बेटे से इसे ब्याह करवा दो। लेकिन उस वक्त तुम ऐसे नहीं बोला ना, वो काले बंदर के लड़का बोला ना। वो सच है ना, तुम्हारी बहन क्या गोरी है क्या? उसकी बेटा
उसका पिता जैसा है मालूम है। अभी वो अपना बाप का बेटा बन गया, होने दे, अभी सब सही है। लेकिन इसके कारण तू मेरे को गाली मत देना। छोड़ छोड़, मुझे नहीं सुनना है। हाँ वो मेरे बहन का लड़का है, लेकिन मेहनत करने वाला है कि नहीं पूछे तो मेरे को कुछ खास नहीं लगता उस बंदा। अभी वो समुद्र में जाएगा तो क्या, हाथ में बहुत पैसा आता है ना। तू वैसे बोलेगी, आखिर तुम्हारे लड़के को देख के ही वो भी दारू बेचने शुरू किया। समुद्र में मछली नहीं है तो भी बीवियों को सोने बेच कर आदमी लोग पैसा लेकर शराब पीकर आता है ना। पुराना बात बताकर यूं ही बैठ जा इधर। कल हमें दूसरा गांव जाना है, जल्दी से हमारा बेटी को ब्याह करवाना है। इस लड़की को यही छोड़ना अच्छा नहीं है। ये पढ़ने को जाएगा तो भी मुझे इधर अच्छा नहीं लगता है मालूम है। तू भी तो बहुत टेंशन दी ना अपनी माँ को। हाँ मेरा बेटे के आने दो, बाद में बता दूंगी। आज भी मेरे को नीचे सोना पड़ेगा। लीली को मैं किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा। कल मुझे कुछ लोगों ने लड़के देखने आता है। तू जा अब, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे हम। मैं समुद्र में डूब कर मर जाऊंगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे साथ ही तू रहेगी। तुझे मैं मरने नहीं दूंगा, किसी और के होने भी नहीं दूंगा। आनंद आप दोनों के मन में क्या है कि मुझे मालूम है। प्यार करने वाले एक साथ जीवन बितानी है, मगर ये एक बात बड़ों के बात भी माननी पड़ेगी। अगर उसे पसंद नहीं है तो वो हम नहीं करने चाहिए। हम तो पाप करने वाले हैं, इसीलिए तो जो आपके बड़े वाले कहते हैं उसी बात को माननी पड़ेगी। एक और नष्ट सहने के लिए हमारे मन में तो बल नहीं है। तुम जल्दी घर वापस चलो बेटी। मैं नहीं घर जाऊंगी, मैं समुद्र में जाकर मर जाऊंगी। कहाँ जाने वाली हो तू? हे भगवान, मैं क्या करूँ? क्या है आनंद ये सब? तू इधर है? रुक रहा यही। ब्याह करने वाले लड़की को रात को चुपके आकर बुला कर तू इधर लेके आया? मैं तुझे देख लूंगी। अरे तू चुप कर गरी क्या है? अरे वाह, तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। तू और तुम्हारा दीदी इस कॉलोनी में। बुढ़िया चुप रहे, रात के टाइम है, सबको पता चला तो शादी रुक जाएगी। छोड़ मुझे, चल रे। अबे आ रे, चल छोड़ो मुझे, चलो छोड़ो, अंदर चलो, मेरी बात तो सुनो आनंद, चलो अंदर चलो। अरे आओ, तुझसे जाकर अच्छी तरह झगड़ा करने का, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जाओ अंदर, क्या बैठी है बहरा? अंदर छुप कर नहीं बैठो, बाहर आ तू। अरे वाह बहरा, आओ तू इधर हटके खड़ा रहे। कहाँ है वो छोकरा तुम्हारा बेटा? वो कहीं वहीं पे रहेंगे। कहाँ? मैं तो यहीं कहीं नहीं देखा। देखो आखिरी में एक बात बताती हूँ, अगर मेरे बेटे के आसपास उसे देखूंगी तो काटने के बाद पेट भी काटने के बाद बीच समंदर में जाकर फेंक देंगे उसको। इस तरह बात करना, अच्छी तरह बताओ उसे। दोबारा इसे कुछ नहीं करेंगे।
उसकी ब्याह तय चुकी है। अगर शादी तय हुआ है तो वो हम करके भी दिखाएंगे। हाँ। ये। मेरी बात पर यकीन कीजिए, कभी ऐसे नहीं करेंगे। तुम्हारी माँ मरने के बाद मेरी माँ ने तुझे पाला है ना, इसलिए बताती हूँ। उससे मेरे घर के पास देखूंगी तो सच में मार डालूंगी। तुम्हारा बेटा कैसा है, सब लड़की लोगों के पीछे जाता है ना वो, तुम्हारी वो स्वभाव उससे भी मिल गया। देखिए, बेकार की बातें मत कीजिए। अरे वाह, बेकार की बात है क्या? अरे तुम्हारा दीदी इस गांव कर इधर उधर घूमकर एक बेटा को पैदा किया ना, वही है ना तुम्हारा बेटा आनंद। तू भी अच्छी नहीं है, तुम्हारा दीदी भी अच्छी नहीं है। बस तो कीजिए, पागल जैसे दिखने वाले मेरे पापा को आपने पापा तो यहाँ से निकल दिया है ना, तब मैंने यूं ही बेटी दी है क्या? ये इधर देखिए, उस दिन भी इसी चाकू लेकर मैंने आई थी। अगर मेरे बेटी के शरीर पर छोटा सा दाग भी निकला है तो ना, आपको मार कर समुद्र में फेंक दूंगी। आपके शरीर को बस काट काट कर भेजूंगी मैं। बहुत दिनों से मैं भी देख रही हूँ, सोचा था कि मेरी दीदी बहुत अच्छी है, वो बुरी नहीं है, उसी की तरह मैं ही हूँ। ये समुद्र माँ की कसम है। चलो चलो, ये समुद्र माँ की कसम है। ओ, अरे तू इधर आ, उसको पागलपन चढ़ गई है रे। तू एक बोलेगी तो वो दस बोलेगी रे। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, मेरे को बचा ले। अबे ओए औरत, कहाँ है तेरा लड़का? मेरे लड़के के साथ अगर वो घूमे तो उनको मैं खत्म कर दूंगा। मुझे ऐसे बर्ताव कर रही हो? तू तेरे माँ को कैसे बुलाओगे? तेरी माँ के साथ कैसे हुआ ही होगा। अरे तू करेगी तो भी क्या करेगी। अबे यार तू यहाँ से चुपचाप चले जाना अच्छा है। अबे जा रहे बुड्ढे। अबे तू बेकार में झगड़ा कर रहा है, इनके बेटे को पता चला ना, बाढ़ में जा। तू तो आखिर उससे चेला है ना। अबे जा बे। अरे नहीं जी, नहीं जी, उसको छोड़िए। अबे तू जाना यार। अबे ओए चंद्रा, तेरा मेरे को मालूम है कि तू दारू पिया हुआ है, यहाँ आके रेलागिरी नहीं दिखाने का अपना। ये जो औरत जो है ना, हर एक औरत की जैसे नहीं है, तेरे को चीर के फेंक देगी वो। पैदा नहीं किया तो भी जिंदगी का दर्द उसको मालूम है, अगर गुस्सा आ गया फिर कोई तूफान उनको थमा नहीं पाएगा। अब तो जा, अब तो जाना भी। चंद्रा बेटा, और थोड़ा दारू देना बेटा, आप जरा घर जाइए अभी, एक बोतल छोड़ के एक गिलास भी नहीं देंगे। अबे मैं जो भी कमाता हूँ यही आके खर्चा करता हूँ ना। अबे जितने भी खर्चा करते हो पीते हैं ना, तू जा अभी। वैसे ही हम यहाँ पे आए, मेरे पिताजी इधर ही थे, लेकिन अब जब हम आए कुछ भी नहीं है। मेरे पिताजी के दूर के रिश्तेदार भी सब कुछ लेके। अपना मोटी लक्ष्मी की जोरू ना शंकर साहब, उनके जाने के बाद जो भी कुछ था वो सब वो ले गए, कुछ भी नहीं बचा। हा 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 हा, तो ऐसा नहीं जब समुद्र में गया तो मर गया। ऐसे गंदे लोगों को अपनी समुद्र की माता जल्दी बुलाएंगे। कैसे भी करके हमने खुद के लिए यहाँ पे एक घर बनाया है। मेरे पापा के नाम पे जो भी था वो सब लेने के लिए हम इधर आए हैं करके वो दोनों शुरू हो गए, माँ और बेटे मिलके। अत्तर चाहिए क्या? अत्तर, अत्तर लो भाई, अत्तर। मर्द हो या औरत, सब लगाते हैं अत्तर। मकार भाई सो रहे क्या? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझा कि आप ये सब बेच के वहीं पर बैठ गया। यहाँ आके बहुत दिन हो गए। इस गांव के तो लोग अपने को बिजनेस ही नहीं दे रहे ना। वो सही है, सही है, सही। अरे मकार भाई, कौन है ये फरिश्ता? वो तो हमारी नई बीवी की लड़की है। अच्छा। हाँ, वो लड़की बड़े होने के बाद देखो मैं अपना बीवी बनाऊंगा। अल्लाह, आपकी तो तरकी बच्ची है। अरे मकार भाई, लेकिन इस फरिश्ते को लेके तुम एक बड़े तख्ती पर पहुंच सकते हो। हाँ देखो, अभी
हमारे मुल्क में अरब मुल्क से बड़े बड़े शेख आने का टाइम है। वो क्यों आते हैं मालूम है? किस लिए? अरे मौज मस्ती के लिए। अबे ऐसी गंदी बातें नहीं करने का रे। अरे गंदी बात नहीं है बे मकर भाई, जरा सुनो, ध्यान से सुनो। ये शेख लोग जब आते हैं ना, बड़े बड़े सोना और गहने वगैरह सब लेके आते हैं। उसके बाद ऐसे फरिश्तों के साथ वो शादी करते हैं। दो चार महीने के लिए वो बेगम और बादशाह के जैसे मौज करते हैं, और ये मौज मस्ती के बाद वो लोग जब जाते हैं, ये धन दौलत सब इस फरिश्तों को देके वो 3 बार तलाक देके चले जाते हैं। वैसे गया तो इस फरिश्ता फिर किसका बनेगा? अरे इसी मक्कार भाई का। और ये धन दौलत और गहने किसका? अरे वो भी इसी मक्कार भाई का। तो फिर मक्कार कौन है? बड़ा सुल्तान, मक्कार सुल्तान। एक दूंगा ना। एक लड्डू निकालो। हाँ लड्डू दो हो जाए। समंदर बड़े गुस्से में है। ए समुद्र माता, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बीच समंदर में हवा होगी। आखिर समंदर है ना, कभी ऐसा होगा, लंबा उम्र वाले चले आएंगे। सरवना, तेरे मुंह से कुछ मत बोलना। मेरे जीभ में कुछ काला दाग नहीं है जी। यार समुद्र में गया हुआ नाव कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? है, वो नाव का आएगा और नहीं तो क्या, उसके साथ दूसरा कोई नहीं गया ना। आ गया नहीं आ गया तो क्या जाता है, वो औरत का नौकर है ना। अरे तुम लोग चुप रहो ना, भगवान से प्रार्थना करो। मुझे तो दूर से एक नौवा दिख रहा है। हे समुद्र माता। दीदी ये हमारा नाव है क्या? हाँ हाँ ये सच में आनंद का नाव है। हाँ पक्का हमारा ही जगह का नाव है। आओ आओ जल्दी आओ, क्या मिला देखेंगे। कुछ नहीं है आज, कुछ नहीं मिला। ओहो इनकी काबिलियत है, इनके लिए हम आज जिंदा है। अरे क्या हवा है बीच समंदर में, मुझे आज भूखा रहना पड़े, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जब समुद्र माँ के पास नहीं जाना है तो नहीं जाना है, या तो खाने पीने के लिए होटल जाएंगे, नहीं तो कहीं पे बैठ के पी रहे होंगे। समुद्र माँ को तुम लोग नहीं जानते, जितना मेहनत करके तुम लोग कमाते हो ना, उसी मेहनत के साथ अपने परिवार का देखभाल करो, वरना ऐसा ही हाल होगा। चलिए माँ। अबे आज तुम लोग सब क्या पियोगे? फिर राजू भाई। राजा भाई। राजू भाई। राजा भाई। राजा भाई। भाई। कौन है रे? अरे आप लोग। हाँ मैं ही हूँ। अरे भैया ये हवा और तूफान रुकने की नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत सारे घरों में खाना पका ही नहीं है आज। वो बच्चे को जरा देना और एक बर्तन लेके आना। समुद्र माँ मचाएगी। बाकी सब कहाँ है? मैन जी इधर दीजिए, इसमें कुछ दे दो। लीजिए जी। आज इसके कारण बच्चे लोग भूखे नहीं पड़ेंगे, बहुत बड़ा धन्यवाद। चलो जाते हैं। हवा थोड़ा थम गया लग रहा है। ओए बड़े भाई साहब। बड़े भाई। ओ बड़े भाई कौन है, खाना लेके आया क्या? हाँ जी, उनसे बोलिए बर्तन लेके आने के लिए। दो बर्तन लाना। अरे भैया इधर आ रहे क्या? अली भाई आ रहा हूँ मैं। देना लो, लो चटनी भी लो। ये लीजिए। अरे मेरे प्यारे बेटा, तू हमारा भगवान है। जैसे कि भगवान सामने आके खड़ा है वैसे ही। हे किधर जा रहे हो? वो मुझे मारने के लिए भगा रहा है। तू ही बता ना भैया, इनकी बात सुनकर कैसे चुपचाप रहूं? क्या बोला इसने? जो कुछ बताया भैया को बताओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मालूम है इसने क्या बताया? एक दिन समुद्र के अंदर जाकर डूब मरूंगी। ऐसा बोला तूने? क्यों मरना चाहता है तू? अगर पापा निक्को को मना नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। मेरे जैसे गरीब और अनाथ को इस लड़की को मेरे हाथ में देगी क्या? बाकी सब ठीक है लेकिन तुम्हारे लिए कोई नहीं, तो हम सब कौन है भाई?
जब से तू मुझे मिला है तब से तू मेरे भाई जैसा है। मेरी माँ के लिए तू एक बेटा है। आप ये वाकई ले लिए क्या? मुझे सब कुछ पता है यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं तुम्हें मदद करूंगा इससे शादी करने के लिए। कुछ चीजें मैंने भी तय किया है। जितना भी मैं कमाऊंगा ना उससे तुम्हारे लिए भी एक नाव लूंगा। उसके बाद मेरे घर के सामने तेरा भी एक घर। उसके बाद तू आ जाना इससे शादी करके। देखो कैसे शर्मा रही है। जाओ ना भैया। एक बात और, हर एक चीज में आप कुछ तय करते हैं ना। आप कब अपने प्यार को लाएंगे उसके बारे में भी तो कुछ तय करना है ना। अरे नीली, 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 बाहर आओ तो। किसी के लिए नहीं भेजूंगा। इधर कोई नहीं है क्या? कौन है? आपको मुझे याद है क्या? काफी साल हो गए। क्या तू मुंह देख के खड़ी है? ओ, क्या है कि छोटे सरकार आपके सब छोटे मालिक के छोटा भाई हूँ मैं। हमशा मेरा नाम है। हज जाने के बाद सब मुझे हाजी बुलाते हैं। मेरे भाई के नौकर के बोलने के बाद तुम्हारे बारे में पता चला। बड़ी बहन के बच्चे के लिए अपना ही जिंदगी त्याग दिया। हाँ, छोटे मालिक को मैं और एक बहन भी है। मेरे को बच्चे नहीं है, मेरी बहन को थी। 3 या 4 साल पहले वो तीन जन एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। सच बोलो तो अभी हमारे खानदान के वारिस अभी कोई नहीं है। थोड़े जमीन जायदाद सब है, वो सब बेकार पड़ जाएगा समझ के तभी याद आया जो वो नौकर ने बोला। हमारे ही खानदान का एक जन्म एक बेटा इसी गांव में है। पहले उनसे मिलना है। वो आने के लिए वक्त होगा। कोई परवाह नहीं, आज नहीं हो तो मैं और कभी आऊंगा। हाँ, आपके प्यार के बारे में भी उसने मेरे को बताया है। आप उसको भूले तो नहीं? उसे मैं कभी भी भूल नहीं पाऊं। माँ, वो कौन है? यहीं से जा रहे हैं ना? ओ, क्या है कि कौन है कि मुझे पता नहीं है। हमारे घर से यहाँ निकल रहे थे। तुम आओ, काफी लेके आती हो। हाँ माँ, मैंने एक अच्छी नाव देखा, दाम भी कम है। ज्यादा होने से पहले ही खरीद लेना। सुनो, मैं एक बात पूछूंगा तो आप गुस्सा नहीं करेंगे? मेरे बच्चे जो भी कहेंगे ना, मुझे उससे गुस्सा नहीं आता। अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो। अगर पसंद है तो।
मैं वो नीली को, तुमने उसे देखा है क्या? उससे मिलने के लिए गया था। अगर तुम्हें इतराज नहीं है तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन क्यों? मेरे पास भी नाव है अभी। फिर भी वो लोग धनवान है बेटा। अगर नहीं मिला तो मैं उसको लेकर आऊंगा। मैं बुलाऊंगा तो वो आएगी। आनंद, ए भाईजान, आपके लिए एक चाय लूं क्या? हाँ जी। अमीना, एक चाय लेना। आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। तो एक और आइटम लाऊं क्या? आप जो भी आइटम लाए हम खा लेंगे। आप तशरीफ रखिए। आप इधर 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 बैठ, इधर बैठ। ये अभी नहीं बताऊं तो मेरा जिगर टूट जाएगा। क्या है भाई, बोलना। इसीलिए ना बैठने बोला। आजा भाई, बोलो भाई। जल्दी बोल, जल्दी। अरे मकर भाई, मैं अभी शहर से सीधा यहाँ आया। किस लिए मालूम है? क्या बात है? ये हुई ना बात, वहाँ एक अरब वाला आया है। अरे मकर, तू अभी बड़ा आदमी बनने वाला है ना? और कुछ नहीं, उनको एक शादी करना है। अरे ये तो मैं सुनते ही मैं सीधा दौड़ के चला है तेरे पास। मकर अभी कौन है? कौन है? मकर अभी करोड़पति है ना, करोड़पति। वाकई में तू मकर नहीं। रमला, लो। हाय अल्लाह, मकर देख फिर से। सही नहीं, ये सही नहीं। क्या रे, पानी देते वक्त वहाँ क्या बातचीत? कुछ नहीं है। तो फिर आज से तुम्हारा कोई पानी वानी नहीं चाहिए। जाओ भागो, तुम्हारा पानी नहीं चाहिए, जाओ। क्या है? क्या रे शैतान, तुमको अंदर कोई काम धंधा नहीं है क्या? वो बेचारा है। ओहो, ऐसा क्या? लो ये जाके दे दो उसको, जाओ। ए अमीना, अपनी बेटी को जाके बोल दो बेकार के बकवास में नहीं पड़ने का। हट जाओ बे अंदर। ए मकार भाई, ये अगर अभी रोका नहीं तो फिर बहुत बड़ा मुश्किल होगा। मैं जाके जितना जल्दी हो सके वो अरब वाले को लेके। ठीक है। अरे जल्दी चलो। हाँ, तू जल्दी जा, तुम्हारा बेटा है ना उधर। अरे दीदी, घर में जाकर मुझे बहुत बड़ा काम है, मालूम है तुझे? दीदी ऐसा ही बोलता है, तू गुस्सा मत हो जा। चल चल, सब लोग जाओ, मुझे क्या है, मुझे मछली बेचना है, जाओ। अरे जा जा, चलो। दीदी, इधर आनंद का घर कहाँ है? एक नौगा का आनंद है, वही क्या? तू कौन है? वो सब छोड़ दो, मुझे बताओ आनंद कहाँ है। आहा, हे लड़की का देखो। अरे छोकरी, इस उम्र में तू ऐसे चलकर मत दिखाओ, बेड़ियाई वाली। मैं दिखाऊंगी। नहीं नहीं, इसे पूछेगा तो ये हमसे नहीं जवाब दिया ना। मैं दूसरे गांव से आती हूँ, स्कूल में पढ़ती हूँ। क्या, तुम स्कूल में पढ़ती हो? हाँ, दूसरे गाँव से पढ़ती हूँ। दूसरे गांव से आती है? हाँ। उधर तुम्हारा घर कहाँ है? देखो चोकरी, ये दीदी उस गांव की है, उधर रेविदास का बेटी हूँ मैं। क्या, तू रेविदास की बेटी है? हाँ। हो, मैं और तुम्हारी माँ बचपन का दोस्त है। तो तुम रिश्तेदार है? अरे बहुत बड़ा रिश्तेदार है। अरे इधर की लक्ष्मी है ना, उसका भाई है ये रेविदास। हाँ। अरे लड़की, तुझे तो ब्याह तय हुआ चुका ना? वो शादी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं आनंद से बहुत प्यार करती हूँ, मालूम है? अरे बाप रे, ये लड़की क्या क्या बात करती है। देखो चोकरी, जल्दी वापस जा। देखो दीदी, मैं एक बात बताई, तुम तुम्हारा काम देकर चलो ना इधर से। मैं जाती हूँ। देखो चोकरी लोग, इसे मत दिखाओ आनंद को। अरे तू क्या करिया, चल दिया। अरे चोकरी, तुझे मालूम है, तुझे देखने के बाद वो माँ बाप के जाकर बताएगी। कोई बात नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ भी डर नहीं है। तुझे आनंद को कैसे मालूम? छोटी सी उम्र में मुझे आनंद मालूम है।
हम दोनों एक ही गांव में पल बड़ी हुई ना, इसलिए मुझे दूसरा शादी पसंद नहीं है। मैं इससे भी जाकर शादी करूंगी। तू सच बताती है, तुम्हारा माँ बाप तुम्हारा ब्याह के बारे में दूसरा सोचता है ना? उन लोगों का पसंद का लड़का मुझे पसंद नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगी। इस त्रासे से सीधे चले जाओ। हम दोनों घर में जाकर उतना काम है, जल्दी जाना पड़ता है, इसलिए जाती हूँ। देखो वो ही है घर, आनंद का माँ है वो। दीदी माँ आओ ना बेटी, मेरी लाडली। तू अब मुझे देखने यहाँ आई है बेटी? देखो दीदी, ये वापस नहीं जाएगी, मुझे मालूम है तुम्हारा बेटा को ब्याह करने वाली है। वो औरत इसके माँ बाप को देखने के लिए गई है। ठीक है मैं चलती हूँ। आनंद कहाँ है? काम होने के बाद आनंद और उसके दोस्त को लेकर जाल लेके आने गए हैं। तुम्हारे घर में बिना बताए यहाँ आना अच्छा नहीं है। पाठशाला गई लड़की घर नहीं आया तो बहुत चिंता रहते हैं। जल्दी घर जाओ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी, मैं आनंद के पास रहूंगी। हे मैया, तेरे पापा हमको मार देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होएगा, मैं जब तक जिंदा हूँ आनंद को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जाकर मर जाऊं? मैं ऐसे थोड़ी कहूंगी बेटी, मेरे दोनों आंखों में आनंद और तुम भी हो। अच्छी माँ है, मुझे प्यारी लगती है तू। चलो चलो अंदर चलते हैं। उस सुंदरी ने तुम्हें देखा है ना, बस पूरा गांव फैला देगी वो। आओ आओ, तुम यहाँ बैठो बेटी, मैं काफी लेके आती हूँ। लगता है पाठशाला जाने से पहले खाई होगी ना तू? हाँ माँ जी, मैं दोपहर को खाई थी, मुझे भूख नहीं है। हरी कहाँ है तू? ओ मना लक्ष्मी है। चुप कर बेटी, इधर ए, जल्दी आ बाहर। कौन है? इस गांव की एक औरत हूँ, वो लड़की को बाहर छोड़ दो तू। ऐसे कौन है? कौन है वो? कौन रिश्तेदार? कहाँ है? हाँ कहाँ है? देखो मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया। अबे इधर आइए ना, ये छोकरी वो कहाँ है? ओ उस लड़की, मैंने बात करके भेज दिया है, लगता है उस तरफ जा रही है। अंदर जाकर देखू क्या माँ? नहीं नहीं तुम खड़े हो जाओ, हम फिर देख लेंगे, अभी तू चल मेरे साथ। हे भगवान, चली गई, अच्छे दिन निकला। देखो बेटी, मैं जो कुछ कह रही हूँ अच्छी तरह सुन लो, अब तुम घर जाओ माँ। क्या बात बता रही है, मैं जाऊँ घर? नहीं घर जाऊंगी, समुद्र में जाकर डूबूंगी। मालूम नहीं क्यों ऐसे जिद कर रही हो। हे भगवान, मालूम नहीं मुझे क्या करना है। नीली नहीं चाहती तो ठीक है, वो यहीं पे रह सकती है। आनंद ठीक ही कहता है। आप दोनों की मर्जी है। कौन है आप लोग, कहाँ जा रहे हैं? ठहरिए, मैं तो समंदर जा रहा हूँ, ये तो शहर जा रही है। वही तो पूछ रही हूँ, वो लड़की कौन है? हाँ वो तो मेरा भाई की छोटी लड़की को, तेरे को मालूम है ना, उन्हीं की बेटी है ये। ओह सरसू की बेटी है, अच्छी तरह बड़ी होगी है। बहुत पढ़ी लिखी है, 10वीं कक्षा में फेल किए, अब कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। मैं ट्यूटोरियल कॉलेज में पढ़ती हूँ। इसका बाप एक मांझी होते हुए भी पढ़ाई वढ़ाई के लिए बहुत अहम देता है। अब सरसू की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं माँ, अभी मछली बेचने के लिए जाती है। बेचारा, खानदान में कितने जन काम करने से उस खानदान का देखभाल होता है। पिताजी आइए ना, दो बस पकड़ कर मुझे जाना पड़ता है। अभी देखो ये टाइम का बात,
पहले अपने को एक बस में चढ़ने के लिए डर लगता था। ठीक है बेटी, तेरे माँ को ये जरूर बताना कि मैंने उसका कुशल पूछा है, भूलना मत। इस लड़की तुमको पसंद आया क्या? ये क्या पूछा है आपने, ना सुंदर है लड़की। वही मैं भी बोल रहा हूँ। आप इस तरह बात करेंगे तो मैं जाती हूँ। वो मांझी के नाव वाव सब आने वाले है, नहीं तो तुमको बस चढ़ाने में मैं भी आता था। फिर मिलेंगे, हम जाते हैं। हाँ, उनको ऐसा नहीं बुलाने का। नहीं, तुम ऐसा अभी बुला सकता है। पागल हुआ आपको, मैं जाती हूँ। बहुत अच्छा लड़की है। क्या तुम्हारे लड़के के लिए अच्छा होगा क्या? मैं ही इस बात पर पूछने वाली थी। अगर आपको पसंद आया, मैं और वो मिलके लड़की देखने वहाँ जाएंगे। हाँ वो ठीक है, पहले उसको ये बात बता देना। तो मैं उधर जा रहा हूँ। जल्दी आना है। हाँ। जल्दी आना। माँ, आनंद, ए लो कॉफी पी लो। हाँ, आज दिन अच्छा नहीं था। समुद्र ऐसा ही है बेटा। हाँ, रामू ने एक बात बोला था मुझसे, तुमने बोला था क्या? बहुत अच्छा लड़की है, अच्छी तरह पढ़ाई भी की है। जो भी हो मुझे नहीं चाहिए करके बोला मैंने। मुझे कभी भी एक बीवी हो तो वो मेरी नीली ही होगी। आनंद, जो मैंने बताया भूल गए हो क्या? जो मैं कहती हूँ वो मानोगे नहीं? इसके बदले में कुछ भी बोलो मैं मानूंगा। आनंद, मेरी बात तो सुनो। आनंद, ये मेरी जिंदगी की सवाल है। आनंद, मेरी चोटी लाली है ना, तू मेरी बात तो सुनना पड़ेगा। पंचमी, मुझे तुमसे कुछ कहना था। कृपया यहाँ से चले जाइए, अगर मैं आपसे बात करूँ तो सब लोग बुरी नजर से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि कर पाई जैसे तुम भी। पंचमी, ये दुनिया गोल है, एक जगह वरना दूसरा जगह। घर पे मेरा शादी का तैयारी हो रहा है, मेरे चाचा के साथ मेरा बात हुआ, उन लोगों को ये बच्चा चाहिए। क्या कह रहे हैं, इस बच्चा और उस माँ की क्या संबंध है? ये कार्तिका और प्रताप का बेटा है, अब मेरी बच्चे है। आपके घर में जो कह रहे हैं उसे सुन लीजिए, जो लड़की वो कह रहे हैं उसी से शादी कीजिए। हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। जो कुछ इस गांव ने हमारे बारे में बताया वो बस है, और कुछ नहीं सुनना है मुझे। पंचमी, इसके लिए तू एक बार भुगतेगी तब तुम अकेली होगी। किसी और की बात सुनने से हमारा अपना जिंदगी बर्बाद हो जाएंगे। ये किसी और के बच्चे नहीं है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा। पंचमी, पंचमी, कौन है? आ रही हूँ। हाँ देखो तुम्हारे लिए क्या लाया, बच्चा सोया नहीं क्या? सो रहे थे, अभी उठा है। यहाँ देखिए, मैंने तो बताया है ना यहाँ ना आने के लिए। तुम्हें देखे बिना मेरा जिया नहीं जाता, इसे भी। ये तो आखिर मेरा दोस्त का औलाद है। यहाँ देखिए, बेकार की बातें मत कीजिए, ये प्रताप और कार्तिका का बेटा है, और अब ये मेरी बच्चे हैं। इस गांव वाले हमें इस गांव से भी भगाना है क्या? तुम दोनों के लिए मैं हूँ। नहीं, मेरी दीदी को जो हुआ है ऐसे मेरे और इस बच्चे को नहीं होने चाहिए। आप यहाँ से जाइए, हमें मुड़कर भी नहीं देखना है। अगर मेरे पागल पापा को कुछ हुआ है तो ना मुझे सह नहीं पाऊंगी, दोबारा यहाँ मत आना, चले जाइए यहाँ से। माँ, मैं जाके जल्दी वापस आ जाऊंगा।
आप कौन हो मैं जानता नहीं हूँ। आप आनंद है, मैं आपको पहचानता हूँ। हाँ जी, आप शायद मेरे को पहचाना नहीं। आप थोड़े दिन पहले इधर आए थे ना? मैं आया था आपसे मिलने। मेरे लिए क्यों? आपके माँ ने कुछ नहीं बताया क्या? मैं बात उल्टी सीधी नहीं करूंगा, इसलिए सीधे सीधे बताऊंगा। तुम्हारे बारे में मेरा नौकर ने बताया है। मैं और मेरा बीवी बहुत सोच समझ के एक तय किया, हमारे खानदान के आपके वारिस तू है। मैं क्यों ऐसा? मैं आपका कौन हूँ? तुम आखिर मेरे बड़े भाई का बेटा है। ऐसा मत बोलिए, मेरा पिताजी का नाम प्रताप है। यहाँ के सब लोग जानते हैं कि मैं प्रताप का बेटा हूँ। वो ठीक है, जैसे भी हो, हमें अपना इरादा तय कर सकता है कि नहीं। इस बात के लिए आप इधर मत आइएगा, आपका कुछ भी हमें नहीं चाहिए। इस सिलसिले में तुम हमारे लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। उस जमीन दौलत, मैंने बोला ना नहीं चाहिए। मैं अगर ये सब लूंगा तो मेरा माँ का नाम खराब हो जाएगा। ना ना, ऐसा कभी नहीं सोचने का। और कैसे सोचूंगा मैं? मेरे पिताजी का नाम आपने बदल दिया और मैं चुप रहूं? ऐसा नहीं। देखिए, आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, इसलिए मैं कदर कर रहा हूँ। आप जाइए, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जाइए। बेटा, मैं आपसे कह रहा हूँ, जाइए यहाँ से। मुझे माफ कर दे बेटा, उस आदमी आने के बारे में तुझसे छुपा दिया था मैंने। हमें तो सिर्फ पैसे की कमी है, तू दोबारा मत। गरीबी की वजह से अपनी माँ को नहीं बेचेगा ये? तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं है। मेरा पिताजी का नाम प्रताप है। मेरे बारे में आप क्या जानते हो? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तू प्रताप के बेटे हो। मेरी दीदी कार्तिका, वो बहुत अच्छी लड़की है। उस दिन मोहम्मद खान ने मेरे पापा को बहुत अन्याय किया है, इसीलिए मेरे दीदी ने उसे पसंद किया। मगर कार्तिका दीदी ने प्रताप को अन्याय नहीं किया है। मुझे पता है माँ, जब भी मैं रात को समुद्र माँ के पास जाता हूँ तब मैं उनके पास ही रहता हूँ। आनंद। अरे बेटा, अरे हमारे बेटा, हम तो सही में बच गए। समुद्र अभी बड़ा क्रोधी दिख रहा है, पानी सारा पूरा खतरनाक लग रहा है, साथ में बहुत सारे दौलत भी ला रहे हैं। तो ज्यादा मछलियां पकड़ सकते हैं ना? हमारे यहाँ तो पूरा दौलत ही दौलत है। आनंद, आनंद बेटा, सुबह होने को आया है, अब ज्यादा समय नहीं है। अली भाई किधर है? वो सो गया होगा, पकार भाई के दुकान में सोते हैं ना। वो हमेशा मस्तान की दुकान में ही सोता है ना। तो फिर आज क्या हो गया? आखिर लड़की की बात है ना, बिना छू के रह पाओगे क्या? किसी के बारे में भी बुरा कहने के लिए आप ही पहले होंगे। ये हुई ना बात, देरी किए वो गुस्सा हो रहा है हम पे, ऐसा हालत हर वक्त नहीं मिलेंगे। ए आनंद भाई, हम एक काम करेंगे, हम लोग चलेंगे, उसको ये आके वेट करने दे, उनका हिस्सा दे देंगे। ए वो कहाँ का नियम, हिस्सा सिर्फ काम करने वालों का है। क्यों आनंद भाई? अरे जरा चुप रहना तुम लोग, तुम लोग काम के लिए तैयार हो जाओ। सुनिए, अली भाई को देखा क्या? आए कुछ नहीं देखा, कई बार मकार के दुकान पे गया लेकिन आज दुकान भी खोले नहीं। अरे मकार भाई के साथ वो भी कहीं चले गया होगा क्या? उनका बीवी से मिला, वो बोली कि वो अपनी बेटी को लेके और कई शहर में गया हुआ है। उस समय अपना बंदा वही था, वही सब कुछ बोल रहा है। हाँ, अपना बिजनेस करने के बाद हम ढूंढेंगे। आप लोग दुकान में देखिए और मैं जाके उसे ढूंढ के आता हूँ। आप जो कह रहे हो मुझे पता नहीं। वो मुझे मारने के लिए इधर आएगा तो रमलत इधर से चली गई। बेचारी, मालूम नहीं है वो कहाँ है। इस सब का कारण वो काजल बेचने वाला है। इसे क्यों दोषूं? मेरे कारण से हुआ है। भूख मिटाने के लिए एक काम के लिए इधर आई थी। तब तो अली भाई, झगड़ा के समय में वो भी यहाँ थे। वो रमला को लेके जाने के लिए सोचा था मगर नहीं हुआ, वो शैतान उसे मार डालता था। जानते हो किधर गए? मुझे मालूम नहीं है बेटा।
पता नहीं किधर गए। हाँ लो ये पकड़ो, इसको रखो। वो कहाँ गए हैं? वो आली से मिलने गया है। आली भाई अब तक नहीं आया है क्या? काम जाते वक्त बहुत ढूंढा उनको, आज दोपहर को भी नहीं मिला उनको। कहाँ गए होंगे बेटा? सभी के बारे में आनंद ही फिक्र कर रहे हैं, कोई उसकी फिक्र नहीं को कर रहे। समझ में आएगा। देखिए चाचा, जब से वो छोटे हैं ना, नीली और आनंद ने एक साथ खेला करते थे, उसी की वजह से उस गांव को हमें छोड़ना पड़ा। जब आनंद ने नए नींव और सब कुछ खरीदा है ना, उनकी जिंदगी बदल गए होंगे। अब तो मेरे पेट जल रही है। देखिए भैया, इस गांव में उस लड़के को दूसरे और लड़की से शादी करना है। मालूम नहीं क्या होने वाला है भगवान। अरे कोई भी किसी से शादी करने से हमारा क्या, अनदेखे बिना चलना। अपना बेटा को बहुत अच्छा और एक लड़की मिलेगा ना। हाँ वो भी तो मैं भी कह रही हूँ। जो मैं कह रही हूँ आपको भी समझने नहीं आ रहा है। अब भी आनंद उसके मन में उसी के बारे में सोच रही है, इसीलिए इस गांव भी छोड़कर कहीं और जाने का सोच रही हूँ। किधर जाने की बात कर रही हूँ माँ? अच्छा अली से मिला क्या? नहीं जी। कल गए हो क्या? अरे इसमें क्या ढूंढने का, कल काम के लिए जाते वक्त वो पहुँच जाएंगे ना। मैं वहाँ इतना देर तेरा ही वेट कर रहा था, पैसा मैं इनका हाथ में दे दिया। दिया है। मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। माँ कुछ खाने के लिए? गरम गरम मछली की करी है। अरे वाह, खाते हैं। ठीक है। अरे आनंद भाई, हमारा अली। अली भाई लो लो आ जाओ। अली भाई क्या हुआ आपको? अली भाई क्या हुआ मेरे अली भाई को? अली भाई ये आनंद के चेले जैसे जब चल रहा था मैं समझा ये आली एक अनाथ है। उनको देखने जो भी लोग आए उनका रिश्तेदार ही नहीं है रे। उसका मरा पड़ा हुआ देखकर मुझे सहारे ही जा रहे मेरा भाई। हम में से एक गया। अरे भाई कुछ उधार पे मिलेगी क्या? पैसा कल दे देंगे। आज पैसा दो कल उधार पे देंगे। अगर इनको समझ में आया तो बहुत अच्छा। अब ये तो दारू नहीं मिलेगा, अब तो उठ के चले जाने का ना। अबे तू जाना बे। अबे राजू भाई चल। हाँ इसी को बोलते हैं जब बात बोलते हैं किसी को समझ में नहीं आता। ये राजू भाई जल्दी आना। अरे उस्ताद कल अपने को दुकान खोलना है कि नहीं? मेरा मतलब परसों रोज आपका शादी है ना। कल हम मौज मनाएंगे ना। अबे एक बात बताओ जी, उस लौंडा और उस लौंडी के बीच में कोई गड़बड़ था क्या? कौन लौंडा और कौन लौंडी? अरे वो आनंद और मेरी होने वाली पत्नी। अगर वैसे पूछो तो? वैसे पूछो तो मैं तो हाँ ही बोलूंगा, क्योंकि अंदर की बात बोलने से। अंदर की बात किसका? नहीं उनके अंदर की बात देखे तो ये बंदा उस गाँव से आए, कभी कभी ये लौंडी भी उनको ढूंढ के आते हैं। हाँ इस बात का पता करना है, तू कल ही वहाँ जाना वरना हम बुड़बक हो जाएंगे ना। हम तो बुड़बक नहीं बनेंगे ना, आप लेकिन बुड़बक बनने का चांस है। मैं जाऊँगा जाके पता करूँगा, लेकिन फायदा नहीं है ना, परसों रोज को शादी है ना। अगर इसमें कुछ सही है तो उस हिसाब में मैं सोना मांग सकता हूँ ना, अभी नहीं पूछो तो नहीं मिलेगा। लो ये हुई ना असल की बात। शादी के बाद हमको होशियार रहना पड़ेगा, आग और बारूद एक ही जगह पे है ना। आग अगर बारूद में आके गिरे या बारूद आग में जाके गिरे, धमाका तो होगा ही ना। उस लौंडे को यहाँ से भगाना पड़ेगा।
आनंद इधर देखो, बहुत देर हो गई बेटा, आओ घर आकर कुछ खा लो। आप जाइए माँ, मैं फिर आऊंगा। आओ ना बेटा, जब से तुम समुद्र से निकले हो कुछ भी नहीं खाया है, मैं भी कुछ खाया नहीं। आप जाके खाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे रुलाना मत बेटा, मुझे मालूम है तेरे मन में क्या चल रहा है, हमें तो यही की लिखा हुआ है। किस्मत में नहीं है तो नहीं चाहिए मुझे, नहीं, लेकिन कल मेरे सामने ही वो, हम कहीं और चले जाएं क्या? कहां जा सकते हैं बेटा, मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी। इस समुद्र देवता इसी है, एक लड़का और लड़की को खुश कर देती है, बाद में माँ इधर देखो बेटा, दूसरे लड़के से शादी करो और बच्चों के साथ खुश रहो। नहीं चाहिए, कुछ मत बोलिए आप, मुझे छोड़ दीजिएगा, अकेले रहना चाहता हूँ मैं। हे भगवान, मेरे बेटे के मन को तुझी से लाना होगा, मालूम नहीं मुझे क्या करना है। अरे जरा जल्दी करो ना यार। लो, वैसे आज दारू के दुकान नहीं खोलेंगे क्या? आज नहीं खोलेंगे, कल दुकानदार की बेटी की शादी है। हाँ, कल ये शादी होने के लिए ये बरखुरदारी सोचना पड़ेगा। अरे बहुत जरूरी है तो मालिक के घर ही चले जाना। मैं तो उसके लिए नहीं आया, मैं तो दूसरे एक चीज जानने के लिए आया। मेरे पास टाइम नहीं है, बड़ा अच्छा खेल चल रहा है। अरे तेरा टाइम कहाँ गया रे? अरे कल शादी है ना, दारू पीने के लिए कल पैसा चाहिए। लो पैसा भी है, इधर देख, दारू भी ला सकता है, तू इधर आना। हाँ आना रे। ओ मैं खेल छोड़ा, ठीक है, चल चल चल, हम अभी आते हैं। जो भी हो, प्रॉब्लम है तो ख्याल नहीं करना। क्यों? ख्याल करने से प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरी भाई के बेटी हो तो भी, उसकी बीवी के स्वभाव में इस तरह वो चलती है। आने दो उसे, इधर आने दो उससे, उससे लोगों को भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। आने के बाद मैं दिखाऊंगी मैं कौन हूँ। अरे सुन, इस बारे को मैं कुछ भी करूंगी। हाँ जी, आप आज ही उधर जाना, अगर शादी होना है तो कहने वहने कुछ ज्यादा ही होना चाहिए। अरे मैं अब भी चला जाती हूँ, ये पागल आएगा तो भी मैं चले जाती हूँ। नहीं मैं आज ही आना पड़ेगा क्या? अरे तुझे भी सब कुछ मालूम है ना, मेरे भाई को ठीक कहे तो भी वो औरत को पसंद होना चाहिए ना, यही बात है। तू वापस आने के बाद ही उनका काम तमाम करना है, वो लड़की यहाँ आते वक्त वो बंदा यहाँ होना नहीं चाहिए। आप एकदम बराबर बोले, उसका साला नाव और जाल। तू वो जला कर फेंको, उसके बाद वो इधर से चले जाएगा। हमारे आते ही आप आदमी इकट्ठा कीजिए, तब जाके हम देखेंगे किसकी ताकत है, है ना माँ जी? नहीं तो नहीं चाहिए ना। नहीं नहीं ठीक है, पहले तू जाके आ। बाहर आ जा, मैं आया हूँ तेरे लिए। अबे हटना। अरे कहाँ जाती है तू? रोकना मत। क्या आप अभी क्या बताया मुझे? तू पागल पर नहीं बोलने का, उसको छोड़ो। नहीं, पहले मैं नहीं छोड़ूंगी। बोला उनको छोड़ो, मैंने पहले बताया, तेरे नहीं छोड़ूंगी। मेरी माँ, तू मुझे मारा। अरे सुन ना, चुप करना, आवाज नहीं निकालना। ये मैं अगर तुमको पहले मारता तो ये खानदान कब का बच गया होता। पिताजी क्या बकवास बोल रहे हो, तुम मुंह नहीं खोलने का? अरे सूरज से ज्यादा प्यार करने वाला आनंद ही है इसको, आनंद में क्या कमी है? इससे ज्यादा मेहनत करने वाला ये गांव में मिलेगा क्या? मेरा बहन सब कुछ जानने के बाद, शादी तय करने के बाद भी सही टाइम पर गहने ज्यादा मांगे तब भी मेरे को पता चला, मेरी बेटी को उस घर में कोई शांति नहीं मिलेगी। बेटी आनंद के साथ जाओ, आनंद कल या परसों मंदिर ले जाके इसके गले में एक मंगलसूत्र पहनाना, इसकी माँ भी आएगी साथ में। मैं नहीं आऊंगी। हाँ तो फिर मैं इनको लेके आऊंगा। बेटा तुम लोग जाओ जाओ। अरे रुक तो।
मैं क्या हुआ या मैं क्या देख रहा हूँ? अबे आनंद, तेरे को ये लड़की सौंप दे के वो अपनी बड़ी बहन के पास चली गई। Yeah.